सो गाइस, अभी हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तीन डिजी से पढ़ेंगे और ये चैप्टर दिस विल बी ओवर वन बाय वन, मैं तीनों को करा दूंगा, ठीक है। छोटा छोटा ही होगा, बट डोंट वरी। सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्रोमोसोम में चेंजेस होना। हो सकता है या तो पूरा सेट में इंक्रीज हो, अगर होल सेट में इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हो पॉलीप्लोइडी, ठीक है। और ये पॉलीप्लोइडी कब हो सकता है, जब आपका सेल डिवाइड करने के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो, ठीक है। सपोज ये एक सेल है, इसमें ट्वाइस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, तो डिवाइड करने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा यहाँ, तो ये फोर एन बन जाएगा। साइटोकाइनेसिस होकर नॉर्मली क्या होता है, दो सेल बन जाएगा ट्वाइस एन ट्वाइस एन। बट अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो जो सेल बनेगा आपका, उसमें आपका पूरा होल डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया। सो ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आपका पॉलीप्लोइडी होता है, और ये बेसिकली प्लांट्स में होता है ज़्यादातर। एनोप्लोइडी मतलब क्या, एक या दो क्रोमोसोम डिलीट हो जाना या फिर रेड होना, ड्यू टू क्रोमाटिड का सेग्रीगेशन नहीं होना ड्यूरिंग सेल डिविजन ना। क्रोमाटिड अगर अच्छे से सेग्रीगेट सेपरेट नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम हो सकता है एनोप्लोइडी। अगर एक गेन हो गया तो उसे बोलेंगे ट्राइजोमी, दो एक्स्ट्रा गेन हो गया क्रोमोजोम तो उसे बोलेंगे टेट्राजोमी, ऑलरेडी बता दिया है। और एक क्रोमोजोम अगर लॉस हो गया उसे हम बोलेंगे मोनोजोमी, दो क्रोमोजोम कम हो गया तो उसे बोलेंगे नलिजोमी, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका डाउन सिंड्रोम से। अभी डाउन सिंड्रोम में टोटल क्रोमोजोम होता है 47, एक ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ट्राइजोमी का। 47 कैसे हो गया, तो 21 नंबर क्रोमोजोम नॉर्मली कितना होता है, दो होना चाहिए था 21 नंबर क्रोमोजोम, पर ऐसे केसेस में तीन हो जाता है। सो इन डाउन सिंड्रोम एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोजोम प्रेजेंट रहता है ट्राइजोमी। सबसे पहले ये लैंगडोन डाउन साहब ने डिस्कवर किया था इसे 1866 में, याद रखिएगा, इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम रख दिया उन्होंने नाम। सिम्टम्स क्या होता है, तो शॉर्टर स्टेचर, ठीक है, ऐसा रहेगा। फर्रो टंग, हमेशा जीभ बाहर निकलता रहेगा। पाल्म क्रीज, पाल्म जो होता है छोटा छोटा रहेगा। मेंटल रिटार्डेशन होगा, ठीक है। फिगर दिखाता हूँ आपको, चलिए। सो देखिए, नॉर्मली आपका सब देखिए दो दो है, दो दो है, पर 21 नंबर में देखिए तीन क्रोमोजोम है, ठीक है। दैट इज 45 प्रोटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम होगा, या तो एक्स एक्स वन से लड़की, एक्स वन से लड़का, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, वही होगा आपका, ऑलरेडी बता दिया क्या होने वाला है। शॉर्ट, ठीक है, स्टेचर्ड विद राउंड स्मॉल राउंड हेड, ठीक है, ब्रॉड फ्लैट फेस, टंग बाहर निकला हुआ रहेगा, ठीक है। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, ब्रॉड प्लम होगा, ठीक है। हार्ट डिजीज भी हो सकता है, यही सब है इसका सिम्टम्स, ठीक है। सो स्टेटिन फॉर डी नेक्स्ट डिजीज, डेट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ओके। उससे पहले ये रहा पॉलीप्लोइडी को यूप्लोइडी भी कहते हैं, वो कब होगा, जब आपका होल सेटअप क्रोमोजोम में रहे बढ़ेगा, कब, ड्यू टू द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेस। टेलोफेस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ह्यूमन में काफ़ी रेयर है, प्लांट में दिखता है, ठीक है। सो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तब ऐसा होता है कंडीशन, ऑलराइट, ओके।